सारण जिले में भू माफियाओं का बोलबाला काफी बढ़ गया है। सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से वे जमीन को कब्जा करने में सफल होकर उसे लाखों करोड़ों का सौदा कर रहे हैं। ताजा मामला जिले के मसरक थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां भू माफियाओं के द्वारा मठ मंदिर की जमीन को देर रात्रि में ही कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश भर गया और अल सुबह काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कई गांवों के ग्रामीण उस मंदिर पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद भू माफिया वहां से भाग खड़े हुए। वही सूचना के बाद सीओ और स्थानीय थाना अध्यक्ष भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ के द्वारा लोगों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिव मंदिर और उसे सटे पोखर का प्रयोग छठ घाट के लिए किया जाता है। मंदिर की काफ़ी जमीन है, जिस पर भू माफियाओं की नज़र थी और देर रात्रि में जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर जमीन पर नींव डाल उसे कब्जा करने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि उक्त जमीन मंदिर की है और गैर मजरुआ है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि अतिक्रमण मामले में उनके द्वारा भू माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लोग शांत हुए और खोदे गए गड्ढे को भरकर उसे पुनः समतल किया गया। इस मामले में ग्रामीणों का क्या कहना है, आप भी सुने। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। ये डुमरसन मेला जो है ये सदियों पुराना यहाँ अद्भुत नाथ बाबा का मंदिर है और बगल में पोखरा है और छठ घाट है, जो कई गाँव के लोग यहाँ आकर के आस्था से जुड़ते हैं और यहाँ शादी ब्याह होता है, छठ होता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और जिसमें हमारे डुमरसन गांव के भी दो आदमी का मिली भगत है, जिनका नाम हम प्रशासन को बता चुके हैं, और छपरा के एक बिल्डर हैं, उनका भी मिली भगत है। वो लोग जेसीबी लेकर आए और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इसको कोरवा दिए और बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला यही है कि ये जो जमीन है ये राम जानकी मंदिर का जमीन है, इसके बगल में कुछ लोगों का जमीन है, तो उन लोग को भ्रम है कि ये भी जमीन उनका है, लेकिन ये केस चल रहा है। इस पर कब्जा के नियत से दखल करने के लिए वो लोग रात को जेसीबी लेकर आए। हमारे गांव के भी दो लोग का उसमें मिली भगत है, तो हमारे टोटल कई गांव के लोग यहां आकर इसका विरोध किए हैं और प्रशासन से मांग है कि जो लोग यहां अवैध कब्जा करना चाहते हैं उनका अरेस्टिंग हो और उनसे पूछा जाए कि क्यों इस शिव मंदिर का जो है कि बाउंड्री किया जा रहा है। जय श्री राम। आज डुमरसन मेला शिव मंदिर परिसर में डुमरसन गांववासी और पड़ोस के गांववासी ने मिलकर कुछ बाहुबली छपरा का रहने वाले हैं, जो मंदिर समेत छठ घाट समेत बाउंड्री कराने का न्यू खोदा गया उसका विरोध किया गया है। अंचल प्राधिकारी द्वारा आश्वासन मिला है, ये सरकारी जमीन है, इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा, ये सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन है, जो अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहा है उस पर FIR होगा और कानून संबद्ध इस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, शांतिपूर्वक प्रशासन का विरोध करते हुए सरकारी जमीन का कब्जा करने वालों पर वो अपना उचित कार्रवाई करे, अन्यथा जन आक्रोश के चलते या शांति भंग होने की संभावना हो सकती है। इसका पूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन पर होगी। धन्यवाद।